हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अक्षिता। टुडे वी डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ते आ रहे हो, और पहले चैप्टर्स में भी आप लोगों ने पढ़ी है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मींस कि जब मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है और एक सेल फॉर्म्ड हो जाती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तब उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ने से पहले आप दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस मींस कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो इन दोनों के फॉर्म्ड होने के बाद जो प्रोसेस फॉर्म्ड होती है वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट चल रहा होता है तो क्या होगा, एक सेल फॉर्म्ड हुई है जायगोट, तो स्पर्म की जो एंट्री होती है वो कहाँ होगी, ओवा में एंट्री होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पर्म एंट्री करता है वेजाइना में एंट्री करता है, ठीक है, उसके बाद वो एंटर करता है यूट्रस में। तो यूट्रस में जब वो एंट्री करता है तो उसको बहुत सारे रेसिस्टेंस को फेस करना होता है जिसके थ्रू वो ओवम तक पहुंच पाता है। तो जो हमारे मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, या बहुत सारा बोल सकते हैं इवेंट्स हैं जो फॉलो होते हैं। सबसे पहला होता है कि जोना पेलोसीडा से कांटेक्ट, यानी कि स्पर्म जो होता है वो जोना पेलोसीडा से कांटेक्ट करता है। अब जोना पेलोसीडा क्या होता है, तो आपने ओवम का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ओवम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है ओवम की वो क्या होती है, एक तो उसमें प्रेजेंट होती हैं सेल्स ऑफ कोना रेडिएटा एंड सेकेंड वन इज जोना पेलोसीडा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो होता है पेरिविटेलाइन स्पेस। आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि देखिए इनकी जो कवरिंग हो रखी है वो हो रखी है कोरोना रेडिएटा की सेल्स और जोना पेलोसीडा से। तो इन दोनों सेल्स को ही डिसॉल्व करने के बाद स्पर्म एंटर कर सकता है ओवम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, जोना पेलोसीडा से कॉन्टैक्ट करना। तो स्पर्म जोना पेलोसीडा से कॉन्टैक्ट करता है, और हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि जब एक्रोसोम रिएक्ट करता है तो जोना पेलोसीडा डिसॉल्व होता है। मींस कि आपने देखा, आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम क्या करता है, एक एंजाइम क्रिएट करता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है कि इन सेल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है, हाइड्रोलिटिक होता है वो और इन सेल्स को डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड, पेरिविटेलाइन स्पेस में एक्रोसोमा रिएक्ट करेगा, अब यानी कि उसके अंदर एंट्री करेगा। आप ये आपने देखा था कि इन दोनों के बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको वो क्या है, पेरिविटेलाइन स्पेस है, तो वहाँ से वो रिएक्ट करता है। सेकेंड क्या होता है स्टेप हमारा, कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होती है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होती है हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है। मींस कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हो गई तो हमारा स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर एंट्री करेगा। द नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो कॉर्टिकल रीजन दिख रहा है आपको, कॉर्टिकल रीजन फ्यूज करता है स्पर्म से। तो ये सारे स्टेप्स क्रिएट होते हैं जब स्पर्म्स की एंट्री होती है ओवम के अंदर। ठीक है, अभी आपने स्टेप्स देखे कि सबसे पहला जो स्टेप था हमारा वो जोना पेलोसीडा से कॉन्ट्रैक्शन था। ठीक है ना, तो अब बात आई, ये क्वेश्चन उठता है कि जोना पेलोसीडा केवल एक स्पर्म को ही अलाउ क्यों करता है। ठीक है ना, तो वो इसलिए करता है कि जो हमारी एग है वो नंबर ऑफ है, मतलब हैप्लॉइड सेल है, और जो स्पर्म है वो भी एक हैप्लॉइड सेल है। तो दोनों एंड जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या सेल फॉर्म्ड होती है, डिप्लॉइड सेल ही फॉर्म्ड होती है। अगर हम यहाँ पे दो स्पर्म ले लेते हैं, दो स्पर्म की अगर एंट्री हो जाती है और एक एग सेल है, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड सेल बन जाएगा, और ट्रिप्लॉइड सेल ह्यूमन में नहीं फॉर्म्ड होती है। इसी वजह से जोना पेलोसीडा केवल एक स्पर्म को ही एंटर करने के लिए परमिशन देता है या अलाउ करता है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो वॉल है वो डिसॉल्व होने लगती है जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है। अब हम इसमें एक खास चीज़ और देखनी है कि जो एग होता है वो स्पर्म को पहचानता कैसे। ठीक है, जब उनके बीच में फ्यूज़न होता है तो एग स्पर्म को कैसे पहचानता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की हमारी प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक। कैसी होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मींस हो गया कि अगर एक स्पीशीज का स्पर्म है तो उसी स्पीशीज का भी क्या होगा, एग होगा। यानी कि दोनों की स्पीशीज क्या है, सेम है, स्पेसिफिक है, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। यानी कि ह्यूमन का अगर है स्पर्म है तो ह्यूमन का ही क्या होगा, एग होगा, तब हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है।
तो उस बेस पे एक थ्योरी प्रपोज की गई थी, जिस उसका नाम थ्योरी का नाम था एंटी फर्टिलाइजिंग थ्योरी, और इस थ्योरी को दिया था एफ आर लिली ने। उन्होंने बताया था कि इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था फर्टिलाइजिंग थ्योरी, और किस बेस पे दिया था कि जो हमारा एग होता है, एग के पार्ट पे प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिंग केमिकल, केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग, उसी तरीके से स्पर्म के हेड पे भी प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो दोनों केमिकल फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, ये दोनों फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को पहचानते हैं, और आपस में इनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि एंजाइम्स हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है, केमिकल्स बने हुए हैं, दोनों के लिए केमिकल रिलीज होते हैं, एग के लिए फर्टिलाइजिंग और स्पर्म के लिए एंटी फर्टिलाइजिंग, और दोनों एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को चेक करने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं, लॉकेंड की थ्योरी। जैसे कि आपने एंजाइम की थ्योरी में पढ़ी थी लॉकेंड की थ्योरी, वैसे ही फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की कंपैटिबिलिटी को चेक करता है, और आपस में उनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और हमारी क्या सेल फॉर्म्ड हो जाती है, जाइगोट। तो जाइगोट सेल फॉर्म्ड होती है, फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है जहाँ पर हमारी जाइगोट सेल क्या होती है, फॉर्म्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मैकेनिज्म्स होती है फर्टिलाइजेशन की, उसमें सबसे पहले इवेंट होता है अराइवल ऑफ स्पर्म्स एंड देयर कैपेसिटेशन, मींस कि जो अराइवल ऑफ स्पर्म्स है, यानी कि जो सेकेंडरी ओसाइट जब फर्टिलाइज्ड होगी तो वो 24 आवर्स के अंदर स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें एंड देयर कैपेसिटेशन, मींस कि स्पर्म की कैपेसिटी का बढ़ना। ठीक है, जैसे कि स्पर्म मैच्योर तो हो जाता है एपिडाइडिमस में, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ऐसे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो स्पर्म्स की कवरिंग को हटाने का काम करते हैं, रिमूवल कोटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि स्पर्म मैच्योर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेकेंड मैच्योरेशन स्पर्म्स का हो जाता है, वो कहाँ पर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो इस तरीके से स्पर्म्स के एक्टिवेशन को ही क्या बोलते हैं, स्पर्म कैपेसिटेशन बोलते हैं। और उसके बाद के स्टेप्स आपको पता ही हैं कि क्या होता है कि जब एक्रोसोमल रिएक्शन, मींस कि जब स्पर्म के आगे हेड पे जो प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम के हेड पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम, वो क्या करता है, जोना पेलोसिडा की वॉल को डिसॉल्व करके, ब्रेक करके क्या करता है, ओवम की वॉल में एंट्री करता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि स्पर्म केवल एक स्पर्म ही एंट्री कर सकता है, और उसके बाद जो एक्रोसोम पार्ट होता है वो लॉस्ट हो जाता है, देन फिर एंट्री हो जाती है स्पर्म की ऊपलास में, और एक्टिवेशन ऑफ ओवम की प्रोसेस होती है। उसके अंदर आपने पढ़ी हुई थी अभी थ्योरी कि एंटी फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजिंग थ्योरी क्या होती है, जिसके बेस पे दोनों एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को पहचान के क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और इस तरीके से थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसमें फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके क्या बनाता है, एक डिप्लॉइड सेल बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट ही आगे फॉर्म्ड होके क्या बनाती है, क्लीवेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लीवेज की प्रोसेस क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।